सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन का मेगा अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिला अस्पताल सहित जनपद में 283 केंद्रों पर कुल 63,040 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 19,233 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 33,807 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मेगा वैक्सीनेशन के दिन शासन द्वारा 1,14,000 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 63,040 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचने का एकमात्र हथियार वैक्सीनेशन ही है, इसलिए जो भी व्यक्ति अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं वे लोग बूथों पर जाकर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लें, और पहली डोज लेने के बाद जिन लोगों ने दूसरी डोज का टीका नहीं लगवाया है वे टीका अवश्य लगवा लें, जिससे जिले को कोरोना मुक्त किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 283 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का बिग मेगा वैक्सीनेशन डे है। हमारा लक्ष्य 1,14,000 का है। सारी तैयारियां हो गई थी, वैक्सीन हमारी हर जगह उपलब्ध हो गई है, वैक्सीनेशन चल रहा है, और हम आशा करते हैं कि हम लक्ष्य के करीब वैक्सीनेशन करा पाएंगे। अभी तक कितने वैक्सीनेशन हो चुके हैं? अभी तक हम वैक्सीनेशन 7,000 का वैक्सीनेशन हो चुका है, जो 11 बजे की खबर थी, और लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। जनता से अपील है कि अभी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं पहले डोज में। पहला डोज अभी हम 23 लाख के से कमी लगा पाए हैं, और हमें 36 लाख तक का डोज देना है। तो अभी बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, जो लोग भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो हमारे बूथों पर आएँ और जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन लगाएं, लगवा करवाएं, जिससे कि कोरोना से आपको सुरक्षा मिल सके और ज़िले को कोरोना मुक्त घोषित किया जा सके।